Hey guys, welcome to my new vlog. और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:17। व्लॉग भी बहुत लेट स्टार्ट हुआ है आज, और घर के बाहर से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि हमें जाना है आज नितेश भाई के घर, उनके ऑफिस का इनॉग्रेशन है। सो बस वहीं जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, सब लोग ऑलमोस्ट जा चुके हैं, गाली तो खाई रहे काफ़ी देर से। तो फिलहाल हम राहुल भाई के साथ में हैं, बैठे हुए हैं भाई। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भाई, गली से गाड़ी निकालने वाली हम लोगों का घर ऐसी जगह पे है ना, मतलब क्या बताए, आरटीओ वाले अगर हम लोगों को गाड़ी लगाते हुए देख ले तो ऐसे ही लाइसेंस देते कि भाई ले जाओ, लगा कैसे दी। तो खैर फिलहाल अभी रास्ते में है, जा रहे हैं, अभी अंशुल भाई को पिक करेंगे, अंशुल भाई आ जाएंगे, उसके बाद तीनों भाई गेड़ी मारेंगे आराम से और घूमेंगे मस्त अपना। फिलहाल तो यही सिस्टम बाजी है, और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। खिचड़ी खाइए, खिचड़ी के साथ बढ़िया पापड़ खाइए, अचार खाइए, मौज करिए, एकदम रायता भी खाइए। तो फिलहाल आज और कल दो दिन मनाई जा रही है, तो सारे त्यौहार दो दिन के हो गए, पता नहीं क्या सिस्टम बाजी है। तो कुछ लोग आज बना रहे हैं, कुछ लोग कल बनाएंगे। चलिए अभी अंशुल भाई को पिक करते हैं। आकाश भाई का भी सीन था आने का, मगर उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई तो लेटे हुए घर पर इस टाइम पर। चलते हम ही लोग चलते हैं, अपना घूम के आते हैं और भाई से मुलाकात करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। भाई ने खुद का ऑफिस डाल दिया है। भैया दुनिया टाइम पे आ सकती है, मगर हमारे पांडे भाई रिकॉर्ड है बंदे का, रिकॉर्ड है, टाइम से नीचे खड़े हुए हैं कार लेकर, वो भी गली में, और पे 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 करते हुए आगे, इधर खड़े थे आगे तक आ गए, बंदा अभी तक आया नहीं तो नहीं आया। करता क्या रहता हमको ये नहीं समझ में आती ये बात भाई, जो भी मतलब बंदे लेट करते हैं, खैर मेरी आदत है नहीं उस तरीके की, कभी कदार हो गया तो हो गया, मगर मैं करता हूँ लेट भाई। नहीं यार तुम कहाँ लेट करते हो, तुम तो राइट टाइम, मैं भी राइट टाइम हूँ। हाँ भाई भी राइट टाइम रहता, आए तुरंत बैठे निकल लिए, मुँह में ऐसे पानी डाला, नहाना धोना से तो कोई मतलब ही नहीं, वैसे भी ठंड बहुत हो रही है, जंगल में सेफ ही नहाता। मगर ये आदमी करता क्या रहता मुझे ये जानना है। तो भाई किसी का दोस्त हो इस प्रकार का तो बताना यार हमको भी, करते क्या हो, मतलब ये क्वेश्चन ही है, क्योंकि भाई से पूछते, भाई बस कहता है अरे भाई कुछ नहीं घर का काम था, ठीक है चलो हो सकता है भाई, अभी आ रहा है भाई साहब, देखते हैं फिर कितनी देर में आते हैं। और उधर से नितेश भाई गाली खा रहे हैं, इधर से हम गाली खा रहे हैं, गाली खाते खाते जीवन ऐसे पार हो जाता है सबका। क्यों भाई राहुल भाई सबकी कट रही, अपनी भी कटी रही, आए भी निकले एकदम भाई यार, तो फिर चला जाए यार, है ना, लेट तो ही रहा काफी। Few moments later, यार फाइनली हमारे पांडे भाई आ गए। पांडे भाई ये बताओ तुम करते क्या हो घर पे आज? भाई तुम्हारे बाल इतने चमक रहे हैं, तुम बाल सेट कर रहे थे क्या? नहीं यार मैंने शैम्पू किया था, एक छुट्टी मिली थी यार। हाँ भाई मजदूरों को सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, उसमें भी मजदूर घर पे लगे रहते हैं। देखा जाना है, बाल तो एकदम खराब हो गए, थोड़ा सा वैक लगा लेता हूँ, कुछ लगा लेता हूँ, फिर उतने में फिर बात ही हो गई, जींस नहीं मिल रही थी यार, सारी प्रेस हो गई थी, फिर एक जींस प्रेस करी। लॉन्ग डॉग सबसे बड़ी दिक्कत थी, सब ये सब करने के बाद मम्मी ने बोला खाना खा लो भाई, खाना हम लोग लग रहा सुधरेंगे नहीं, या फिर बीवी आने के बाद ही लगता सुधरेंगे, क्या बोलते हैं ना भाई, सुधर नहीं पा रहे, मतलब इतने लापरवाह हैं हम लोग, पूछिए मत, सब सब यहाँ पे जितने बैठे हैं तीनों के तीनों भाई, मगर इतना इतना जड़ीला आदमी, इससे ज्यादा जड़ीला आदमी मैंने इस आदमी से नहीं देखा है भाई। सुबह हाँ भाई की बात हो रही, राहुल भाई की बात हो रही, इस चीज में राहुल भाई की बात कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे बंदा उठ के इस ठंडी में, ठीक है जहाँ पे मतलब हम लोग गर्म पानी से भी नहाने से पहले सोचते हैं कि नहाए कि ना नहाए, भाई साहब ठंडे पानी से रगड़ देता है, समझ रहे हैं, मतलब जहर आदमी है। हाँ भाई तुम्हारी स्किन का यही राज है ना भाई, देख रहा कितना काला हो गया। नहीं यार काला गोरा कुछ नहीं होता है, स्किन तुम्हारी साफ है, मैं तो ये कह रहा था भाई, ऐसे नहीं सब अच्छे हैं भाई, सब भाई सारे मेरे भाई स्मार्ट है, सबसे पीछे वाला तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है भाई, एक नंबर भाई, हीरो लगता है एकदम। तो ये चला जाए फिर रास्ते में, अभी हम लोग ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो नितेश भाई की 2 बार कॉल आ चुकी, गाली खा चुका हूँ भाई, गोली दी थी मैंने भी उनको, बोला था खिचड़ी तुम्हारे आज थी? नहीं भाई खिचड़ी हमारे यहाँ कल है। हमारे यहाँ खिचड़ी आज थी? नहीं मेरे यहाँ भाई दाल चावल था। अरे यार भाई खिचड़ी पर मेरी बनी है। अरे भाई कल भी खिचड़ी बनी, मतलब भाई तुम्हारे घर तुम दाल चावल खाओ क्या घर से? सही है भाई, मेरे घर पे तैयार था, पर मैंने भाई को बहुत गाली देंगे अगर मैंने खिचड़ी की प्लेट उठा ली, मेरी खिचड़ी बना देंगे, निकल लेता हूँ भाई। वहाँ पे भी खिचड़ी भाई ने खिचड़ी यही आज कटवाई है। सही है भाई, तो चलो भाई चलते हैं, बस पहुँचते हैं फटाफट से, फिर आपको नितेश भाई के घर पे चल के मुलाकात होती है। भैया ये रही तहरी, काफ़ी लेट हो रहा था तो उन्होंने फटाफट निकाला है अपना, तहरी खाते हैं और फिर आपको नीचे चल के दिखाते हैं भाई का ऑफिस।
जी जी भैया नितेश भाई बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा तुम आ गए। धन्यवाद भैया। अरे नहीं भैया, आगे थोड़ा घर का तो सिस्टम था। ये रहा भैया का ऑफिस। जी भैया राइटर सबका बोर्ड लगेगा, राइटर सबका बोर्ड लगेगा। अरे अनंत भाई मजा आ गया था भाई। सब हम लोग को वकीलों को खास तौर से वाइटनर की जरूरत रहती, गलतियां बहुत करते ना वकील। बहुत बढ़िया। तो भाई अब हम लोग आ गए हैं कमता चौराहे पे, क्योंकि तहरी बहुत ज्यादा बच गई थी, तो हमने कहा कि यार वेस्ट क्यों की जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। कार लगा दी है, डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं तहरी आराम से, ताकि वेस्ट भी ना हो और किसी इन्हीं का पेट बढ़े। भाई यहीं पे अपना तहरी हो रहा है, भाई लोग करवा रहे हैं चौराहे पे खड़े होकर। सुबह फाइनली आ चुके घर और आज के बज रहे हैं 11:30। लेट हो गया, पहले हम लोगों ने खिचड़ी ट्री अपना जो था वो बटवाया, उसके बाद खाना खाया ढाबे पे, फिर घर आ गया। फोन डिस्चार्ज हो गया था तो ज़्यादा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। खैर घर आ चुके हैं और अभी ब्लॉग को करते हैं एडिट। और भाई मज़ा आ गया, भैया का ऑफिस से एक नंबर बढ़िया बना हुआ है और एकदम सिस्टम टाइट है। सो अभी चलते हैं, फिलहाल कुछ खावा लेते हैं, उसके बाद मस्त ब्लॉग को एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद अपना सो जाएंगे। किसी को भाई वकील की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताइएगा, जो भी हेल्प हो पाएगी वो बिल्कुल आपको मिलेगी। बड़े भाई अधिवक्ता हमारे हैं हाई कोर्ट पे। सो चलिए चलते हैं, ब्लॉग को एडिट करते हैं और मस्त अपना खाना ना खा के सो जाते हैं। आप सब भी अपना ख्याल रखिए, खिचड़ी बनाइए, खिचड़ी खाइए और इन्जॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। चलते हैं फिर और मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।